बर्फबारी के दौरान हादसे के शिकार हुए जवान के अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मेहूती निवासी सुखराम सिंह, जो कि 23 राजपूत बटालियन में तैनात थे, कश्मीर में तैनाती के दौरान बर्फबारी के दौरान हादसे का शिकार हुए थे और लखनऊ स्थित सेना के अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। जब सुखराम सिंह का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम पहुंचा तो अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। सतना के वीर सपूत देश के लिए शहीद हुए हैं। ग्राम मेहूती निवासी सुखराम सिंह सिक्किम चाइना बॉर्डर में तैनात थे। शहीद सुखराम 23वीं राजपूत बटालियन में सेवारत थे। बीते दिनों गलवान घाटी में पेट्रोलिंग के दौरान उनके साथ हादसा हो गया, जिसमें हिमस्खलन की चपेट में आने से वे बुरी तरह जख्मी हो गए। सेना के साथी जवानों ने किसी तरह उन्हें बर्फ से बाहर निकाला, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उनका इलाज लखनऊ आर्मी अस्पताल में चल रहा था। बीते दिन इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर गृहग्राम मेहूती पहुंचा, जहां जिला प्रशासन ने अंतिम विदाई की तैयारी की। शाम 4 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें कि सुखराम 35 वर्ष के थे और 17 वर्षों से फौज में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके पिता किसान हैं और परिवार में पत्नी, 2 बेटे समेत 2 भाई भी हैं। उनके शहीद होने की खबर के बाद पूरा परिवार शोक में है। वहीं इलाके के सैकड़ों लोग उनके अंतिम दर्शन को पहुंचे। जिला प्रशासन के साथ जिले के सभी जनप्रतिनिधि भी उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके गृह ग्राम पहुंचे। सतना जिले के मेहूती ग्राम के श्री सुखराम सिंह जी निवासी थे। ये जो है 23वीं राजपूत बटालियन में पदस्थ थे। इनकी पोस्टिंग अभी हाल में डोकलाम में, जो चाइना बॉर्डर है सिक्किम में, वहाँ पर थी। वहाँ हिमस्खलन में इनको जो है शारीरिक क्षति हुई थी। उसके बाद इनको लखनऊ के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहाँ जो है फिर इलाज के दौरान जो है कल इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी डेड बॉडी कल रात 11 बजे आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर लोगों के दर्शनार्थ रखा गया था और जबलपुर से जो मिलिट्री की गार्ड सलामी के लिए आई हुई है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है इनका जो भी जो है दाह संस्कार किया गया है।